आदरणीय भगवान, आज शेयर मार्केट खुला तो बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर विदेशी निवेशकों की ऐसी बिकवाली हावी हुई कि मार्केट तो भैया हाय हाय करता हुआ बंद हुआ। बहुत भयंकर बर्बादी हुई है। आज इस बैकग्राउंड में मोदी साहब के भी कान खड़े हो गए हैं। मोदी सरकार ने सभी डिपार्टमेंट से कह दिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, खर्चा ज्यादा कीजिए। अगले 3 से 4 महीनों में सरकार अपना पूरा खजाना लौटाने वाली है। ये घटनाक्रम मान्यवर आपको अखबारी लग रहा होगा, लेकिन आप जरा गौर फरमाइए, L&T को 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है NTPC के द्वारा। साथ में NTPC नहीं, अपने सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर का प्रोजेक्ट्स भेल को दिया है। ये तो हो गए पावर प्रोजेक्ट्स। साथ में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के मामले में गेल ने बड़ा प्रोजेक्ट दिया है NBCC इंडिया को। ये सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं हाउसिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, कैपिटल एक्सपेंडिचर के, इनके कारण कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। जब बैलेंस शीट बलवान होगी तो शेयर प्राइस कब तक कमजोर बना रहेगा? इसलिए महोदय, खास तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए सेक्टर्स पर मैं बुलिश हूँ। अभी जो गिरावट आई थी उसमें निचले लेवल पर मैंने L&T अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, उस लेवल से L&T में उछाल भी आया है। इनफैक्ट L&T गिरा नहीं है अभी, L&T जैसे दस खड़ा है, आप देख लीजिएगा चार्ट। तो L&T हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों में निवेश के मौके अभी भी उपलब्ध हैं। ये सेक्टर सबसे पहले रिकवरी देगा, फास्टेस्ट रिकवरी देगा। इसलिए आगामी बजट को मद्देनजर रखते हुए हौसला मत हारिएगा महोदय, पूरी हिम्मत के साथ शेयर मार्केट में टिके रहें। इस दौरान, गिरावट के दौरान यदि आपने डर खरीद लिया, तो उछाल के दौरान आप लालच बेचकर मुनाफा कमाइएगा भर भर के। ये मौका है गिरावट का, डिस्काउंट की सेल है, लाभ उठा लीजिएगा श्रीमंत। रही बात शेयर मार्केट की, इस उठा पटक में निवेश की कला आपने सीखनी है, हेजिंग में पारंगत हासिल करनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए और अपने पसंदीदा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर से ऑप्शन कोर्सेज अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा मान्यवर।